subscribe to the channel and turn your post notifications on. Never miss another video. Hey guys, what's up everybody? Welcome to another video. अगर अभी तक तुम लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करो. तो चलते हैं वीडियो की ओर. तो आज मैं आपको पांच एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपकी शोल्डर और उसकी साइज बढ़ाने में आपकी मदद करेगी. ये एक्सरसाइज आप एक महीना ट्राई करिए तो आपको रिजल्ट्स अच्छे से अच्छे मिलते रहेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. तो गाइज, हमारी पहली एक्सरसाइज है स्टैंडिंग मिलिट्री प्रेसेस. इसमें आपको आपके हाथ ऐसे स्ट्रेट रखने हैं और 90 डिग्री रखना है. ये जैसे मेरा हाथ आपको दिख रहा है, इसको सिर्फ ऐसे स्ट्रेट उठाना है और ऐसा रखना. ज़्यादा वेट मत लेना. अगर जितना हैवी हो सकता है आप जिसमें 7 to 8 रेप्स ले सकते हैं आप उतना ही लेना. ओके, तो मैं आपको एग्जाम्पल में बताता हूँ. चार सेट लेने हैं. इसमें आप 7 to 8 रैप्स मैक्सिमम लीजिए, क्योंकि अगर आपको अपना साइज बढ़ाना है तो आपको हैवी वेट लेना पड़ेगा. तो चलते सेकंड एक्सरसाइज की ओर. तो गाइज, हमारी सेकंड एक्सरसाइज है स्टैंडिंग या सीटेड डंबल प्रेसेस, जो कि डंबल से होंगे. इसमें भी आपको आपके हैंड से 90 डिग्रीज में रखने हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे कुछ रखोगे तो आपका मसल टेंशन ट्रैप्स की तरफ आ सकता है. अगर आप इसे स्ट्रेट रखोगे तो आपका पूरा टेंशन यहाँ पर होगा. तो इसमें भी आपको 4 सेट लेने हैं. इसमें 8 to 10 रैप्स आप मैक्सिमम ले सकते हो. इसमें भी आपको हैवी वेट लेना पड़ेगा. तो मैं एग्जांपल आपको करके बताता हूँ, लेकिन आप याद रखें कि आपका हाथ ऐसा स्ट्रेट रहे, ऐसा ना ऐसा, एकदम स्ट्रेट रहे. चाहिए तो आपको स्पॉटर यूज़ कर लीजिए. स्पॉटर की बहुत अच्छी चीज़ होती है कि वो आपको सपोर्ट दे सकता है. तो मैं आपको करके बताता हूँ. आपने देखा मेरे हाथ बिल्कुल ऐसे थे. तो थर्ड एक्सरसाइज. तो गाइज, हमारी थर्ड एक्सरसाइज है स्टैंडिंग डंबल लैटरल रेजेस. इसमें आप बैठ के कर सकते हो या खड़े रह के. अभी मैं वीडियो बताने के लिए तो मैं आपको खड़े रहकर बता रहा हूँ. आप स्टार्ट कर रहे हो तो इसको खड़े रहकर ही करो. तो अगर आपको ऐसा नहीं हो रहा तो आप बैठ के कर सकते हो. मैं आपको बैठ के भी बता दूंगा इस वीडियो में. तो इसमें आपको आपके हाथ ऐसे ऐसा रखना है. ये डंबल है. मैं सिर्फ ये माइक पकड़ा मैंने इसलिए दोनों हाथ से नहीं कर रहा, मैं बताता हूँ. इसको आपको इतना उठाना है और जो आपका जो स्पेस है उसको आप जितना चौड़ा रखोगे उतना आपका मसल टेंशन होगा. तो मैं आपको एक्सरसाइज करके बताता हूँ. इस एक्सरसाइज के आपको 3 से 4 सेट लेने हैं. इसमें आप 7 to 8 रैप्स मैक्सिमम लीजिए. इसमें भी आपको थोड़ा हैवी रखना पड़ेगा. याद रहे आपके हाथ यहाँ पर. तो गाइस, हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है स्टैंडिंग डंबल फ्रंट रेजेस. इसमें आपको आपके हाथ ऐसे रखने हैं. ये डंबल हो गया. इसमें आपको यहाँ तक ही रखना है, ऐसे टच नहीं करना. तो यहाँ पर रख के इतना उठाया और इतना छोड़ा, इतना उठाया और इतना छोड़ा. तो मैं आपको पूरी एक्सरसाइज ढंग से बताता हूँ. इस एक्सरसाइज की भी आपको 4 सेट लेने हैं.
जिसमें आप 10-12 रेप्स ले सकते हो, आप ऐसा वेट लो जिसमें आप 10-12 रेप्स ले सकते हो, और आपको आपके हाथ पूरे यहाँ लेग्स तक टच नहीं करने, थोड़ा गैप रखना, क्योंकि अगर टच कर दोगे तो आपका पूरा मसल टेंशन निकल जाएगा। तो फिफ्थ और लास्ट एक्सरसाइज में बताता हूँ। तो गाइज हमारी फिफ्थ और लास्ट एक्सरसाइज है बेंट ओवर साइड लैटरल रेज। इसमें आपका पूरा मसल टेंशन इस शोल्डर के हिस्से पर रहता है। तो मैं आपको डायरेक्टली एक्सरसाइज करके बताता हूँ। इसमें भी आप लाइट वेट लीजिए जिसमें आप 4 सेट्स ले सको, इसमें आप 8-10 रेप्स ले सकते हो। तो मैं आपको डायरेक्टली एक्सरसाइज करके बताता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। लाइक के बिना मत जाना, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर दो, इसके लिए मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो मैं आपको फ्यूचर में ऐसे वीडियोस बताता रहूँगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे फिट।